क्या आप जानते हो इंग्लैंड में स्थित न्यू इंग्लैंड ऑफ मेडिसिन के बहुत सारे रिसर्चर ने मिलकर एक रिसर्च परफॉर्म की और उन्हें उस रिसर्च से ये पता चला कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आखिरकार उस रिसर्च का मतलब क्या था? डोंट वरी गाइस, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ज़्यादा चाय पीने से क्या फ़ायदे होते हैं और चाय पीने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो अगर आप भी चाय पीते हो तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको उसके पीछे का साइंस समझ लेना चाहिए कि आखिरकार चाय पीने से क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले चाय पीने के नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके फायदे क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चाय पीने के नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने मॉर्निंग पे। जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं उस समय हमें सबसे पहला यही ख्याल आता है कि चाय पीना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक ये प्रूव किया गया है कि अगर कोई भी इंसान खाली पेट चाय पीता है तो उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। मैं आपको बता दूं, खाली पेट चाय लेने से एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप चाय पीना चाहते हो सुबह सुबह तो आपको सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए हल्का फुल्का, उसके बाद ही चाय लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नुकसान क्या है। अगर आप ज़्यादा चाय पीते हो तो चाय आपके जो पाचन तंत्र की क्रिया होती है उसको कमज़ोर कर देता है और साथ ही चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगला नुकसान क्या है जो चाय पीने की वजह से होता है। शायद आप में से किसी को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, चाय में कैफीन नाम का एक तत्व होता है जिसका काम होता है शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाना। तो अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हो तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए आपको अपने पूरे दिनचर्या में चाय बहुत कम ही पीना चाहिए और जितना कम पियोगे उतना ही बेटर आपके लिए है। और चलिए दूसरी बता दूं आपको, तो ज़्यादा चाय पीने की वजह से एक तो आपको दिल की बीमारी होगी ही होगी और चाय में चीनी की मात्रा यानी कि शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और मैं बता दूं इसकी वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हो सकता है कि आपको मोटापे की भी समस्या ज़्यादा चाय पीने की वजह से हो सकती है। अब तक तो हमने ये देखा कि चाय पीने के क्या क्या नुकसान हैं, लेकिन हम चाय के फ़ायदे पर आएँ उससे पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा बना के रख लेते हैं और उसे बार बार गर्म करके पीते रहते हैं। लेकिन गाइस प्लीज़ ये काम बिल्कुल भी मत करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो आपको जितना चाय पीना है ज़रूरत के हिसाब से ही चाय बनाना और जितना हो सके चाय पीते हो तो वो ताज़ी चाय बना के ही पीना, ना कि एक बार सुबह बना के रख देना और शाम तक पीते रहना। तो चलो अब हम बात करते हैं कि चाय पीने के फ़ायदे क्या हैं। अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया कि चाय में कैफीन होता है, इसके साथ ही एक चीज़ और होता है टैनिन। और मैं आपको बता दूं, कैफीन और टैनिन जो होते हैं वो एक टाइप के स्टिमुलेटर होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को फुर्ती महसूस होता है। यानी कि पहला फ़ायदा ये हो गया जो कि चाय पीने की वजह से होता है। बात करें दूसरे फ़ायदे की, तो चाय में मौजूद L-थियनाइन नामक एमिनो एसिड होता है जो कि दिमाग को ज़्यादा अलर्ट लेकिन शांत रखता है। और अगले फ़ायदे की बात करें तो चाय में एंटीजन होते हैं जो कि हमारे शरीर को एंटी बैक्टीरियल क्षमता प्रदान करते हैं। और अगले फ़ायदे की बात करें तो इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट तत्व हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और कई बीमारियों से बचाव में हेल्प करते हैं। और अगर बात करें चाय पीने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है उसकी, तो मैं आपको बता दूं, चाय में एंटी एजिंग गुड़ होते हैं जिनकी वजह से इंसान का बुढ़ा होने का जो रफ्तार होता है वो कम हो जाता है और शरीर को उम्र के साथ होने वाले नुकसान को भी कम करता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि चाय में फ्लोराइड होता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़े लगने से रोकता है। और जो दूसरा जो इंग्लैंड का जो रिसर्च था उससे ये बताया गया कि चाय पीने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसके बारे में आप चाहे तो और सारी रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें इतना पता चला, आगे की अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चाय पीने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं आपको समझ में आया या नहीं ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, वैसे तो हम वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी और ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि आपको नॉलेज बढ़ाने में मदद करे।
तो आगे की वीडियो आपको सबसे पहले देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।